कोतवाली टीआई ने युवाओं को दिया नशे से दूर रहने का संदेश। सोनपुर में पुलिस ने चलाया नशा मुक्ति के लिए जागरूकता अभियान। निगम कमिश्नर ने दिए कार्यपालन यंत्री को ट्रांसपोर्ट नगर के लिए जमीन तलाशने के निर्देश। नगर निगम में हुई समीक्षा बैठक। भू स्वामित्व योजना के तहत प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री ने किया हरदा में योजना का शुभारंभ। ऑनलाइन वर्चुअल के माध्यम से शामिल हुए जिले के बीजेपी नेता। कांग्रेस ने किया रेल मंत्री का पुतला दहन। और नवरात्र को लेकर बाजार में सजकर तैयार हुई माता रानी की मूर्तियां। नमस्कार, छिंदवाड़ा लाइव के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। नशे के सेवन से होने वाले नुकसानों को लेकर कोतवाली पुलिस द्वारा जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में बीते दिनों एसपी विवेक अग्रवाल के निर्देश पर कोतवाली टीआई सुमेर सिंह जगेत ने ग्राम सोनपुर क्षेत्र में जाकर युवाओं को नशे से होने वाले नुकसान को लेकर जागरूक किया। साथ ही उन्हें नशे से दूर रहने के लिए समझाइश भी दी। दो बुराई हो सकती है, लेकिन अगर आप नशा करते हैं तो फिर आप सारी बुराई कर जाएंगे, आपको पता ही नहीं चलेगा। नशा क्या है? सामान हमारी जो सोचने समझने की जो क्षमता है उसको ख़त्म कर देना। जब हम समझदार होते हैं, चीज़ों को समझना शुरू करते हैं, तो हम अच्छा बुरा जानते हैं कि अच्छा क्या है बुरा क्या है। लेकिन नशा जो है सोचने समझने की हमारी क्षमता को कमज़ोर कर देता है। बच्चों को नशे में शामिल ना होने दें। जैसे गांव देहात में अपने को दारू वगैरह आसानी से उपलब्ध हो जाती, कहीं से ला लेते, उसमें बच्चे भी आ रहे हैं, पढ़ने लिखने बच्चे वाले लोग नशा कर रहे हैं, तो ऐसा ना करें। नगर निगम कमिश्नर द्वारा बुधवार को निगम सभागार में अधिकारी कर्मचारियों की समीक्षा बैठक आयोजित की गई, जिसमें निगम कमिश्नर हिमांशु सिंह ने कार्यपालन यंत्री को ट्रांसपोर्ट नगर के लिए नई जमीन तलाशने आवश्यक दिशा निर्देश दिए, जबकि निगम के अन्य कार्यों की प्रगति को लेकर भी उन्होंने समीक्षा की। भू स्वामित्व योजना के अंतर्गत बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा हरदा जिले में ऑनलाइन वर्चुअल कार्यक्रम आयोजित किया गया था। इस अवसर पर कलेक्ट्रेट के वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हॉल में वर्चुअली वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जिले के भाजपा नेतागण भी कार्यक्रम में शामिल हुए। इसमें भाजपा जिलाध्यक्ष विवेक बंटी साहू, पूर्व विधायक रमेश दुबे, रमेश पोफली, विजय झांझरी सहित प्रशासनिक अधिकारी भी शामिल थे। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, प्रधानमंत्री जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। अब आज एक बार जिनको स्वामित्व का अधिकार मिला है, निकालो अपने अधिकार पत्र, दिखाओ पूरे हिंदुस्तान को। प्रधानमंत्री जी ने अपने घरों का ही अधिकार गांव वालों को दिया है। ये ऐतिहासिक दिन है मेरे बहनों और भाइयों, ये ऐतिहासिक दिन है। आज आपको अकेले हरदा जिले में, पूरे मध्य प्रदेश के लगभग 3000 गांवों में 170,000 हमारे ग्रामीण भाइयों को वो अभिलेख अधिकार दिए गए, और इसके माध्यम से हमारे ग्रामीण क्षेत्र में आबादी में रहने वाले भाई लोग सक्षम होंगे, समृद्धिशाली होंगे। क्योंकि अगर उनको कोई व्यवसाय करना है, जमानत लेनी है, तो उनके पास उनके मकानों के न कागज होते थे न पट्टे होते थे, लेकिन प्रधानमंत्री जी स्वामित्व योजना के माध्यम से अब उनको उनके मकान के कागज मिल जाएंगे, वो अपना व्यवसाय शुरू कर सकते हैं, उसमें लोन प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए मैं माननीय मोदी जी के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। कांग्रेस सेवा दल द्वारा बुधवार को रानी दुर्गावती चौक पर ओवरब्रिज का काम शीघ्र प्रारंभ किए जाने को लेकर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का पुतला दहन किया गया। कांग्रेस सेवा दल का आरोप है कि रेलवे विभाग की लापरवाही और लेट लतीफी के कारण मेडिकल कॉलेज के सामने बन रहे रेलवे ओवरब्रिज का काम अभी तक प्रारंभ नहीं हो पाया है। 22 करोड़ की लागत से बन रहे ओवरब्रिज के निर्माण कार्य को 3 साल हो गए, लेकिन यह अभी तक बनकर तैयार नहीं हो पाया, जिसके कारण क्षेत्रवासियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। रेल मंत्री,
नवरात्र पर्व को उत्साह पूर्वक मनाने के लिए शहर और अंचल में तैयारी शुरू हो गई है। देवी उपासना का पर्व नवरात्र 7 अक्टूबर से शुरू हो रहा है। इसके लिए मूर्तिकार मां दुर्गा की मूर्ति को अंतिम रूप देने में जुटे हुए हैं। कोरोना के कारण बीते 1.5 साल से शहर के बाजारों में रौनक खत्म हो गई है, लेकिन नवरात्र के चलते एक बार फिर बाजारों में रौनक नजर आने लगी है। जबकि मूर्तिकारों का कहना है कि महंगाई का असर उनके धंधे पर भी हुआ है, लेकिन इस बार ग्राहकों की रौनक काफी बनी हुई है। बड़ी मूर्तियों के ऑर्डर मिलने के कारण उन्हें मुनाफा होगा। कोरोना के वजह से बाजार बहुत मंदा है अभी। अच्छा, मूर्तियों की कीमत लाभ मिल पा रहा है? नहीं, मूर्ति में अभी तो कोई लाभ नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि लोगों के पास में उतना पर्याप्त अभी रुपया नहीं है लॉकडाउन के चलते। जी, बाजार कैसा है? बाजारों में रौनक है अभी? हाँ, बाजार में रौनक है अभी, श्रृंगार का सामान लोग खरीद रहे हैं। सर, इस बार तो हम लोग बहुत परेशान हो गए हैं, धंधा बहुत डाउन हो गया है। गणेश जी में भी हमने उतनी क्वांटिटी बना नहीं पाए, और दुर्गा जी का भी वही हाल है। इस बार हमारा प्रॉफिट निकालना बहुत मुश्किल है। जो मार्केट में कुछ कस्टमरों में अभी उछाल आया है, ग्राहक कैसे आ रहे हैं? गणेश जी की अपेक्षा दुर्गा जी फिर भी ठीक है, क्योंकि गणेश जी में गाइडलाइन आई नहीं थी और बड़ी मूर्तियाँ बना नहीं पाए थे, लेकिन दुर्गा जी में हमको छूट मिली है, तो उसके अकॉर्डिंग बड़ी भी मूर्तियाँ बनी है और छोटी भी बनी है। इसी के साथ बुलेटिन वक्त तक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। आरोग्य हॉस्पिटल कोरोना वॉरियर्स को नमन करता है। छिंदवाड़ा शहरवासियों के स्वास्थ्य का ख्याल रखते हुए कोरोना महामारी के बीच आरोग्य हॉस्पिटल द्वारा संपूर्ण बीमारियों का इलाज एवं क्रिटिकल सेवाएं जारी रखी गई हैं, जिसमें सभी प्रकार की सर्जरी जैसे यूरो सर्जरी, जनरल सर्जरी, ऑर्थोपेडिक सर्जरी जैसे ऑपरेशन एवं गंभीर बीमारियों का इलाज निरंतर जारी है। मरीजों की सेवाओं में ओपीडी, डे केयर एवं भर्ती जैसी सुविधा सुचारू रूप से दी जा रही है। रजिस्ट्रेशन कराएं और आरोग्य हॉस्पिटल की स्वास्थ्य सुविधा का लाभ उठाएं। नागपुर की सुविधाएं अब छिंदवाड़ा में। शहर के सबसे आधुनिक डेंटल क्लिनिक डेडिकेटेड इम्प्लांट फैसिलिटी के साथ चतुर्वेदी डेंटल क्लिनिक, डॉक्टर राहुल चतुर्वेदी MDS, फिक्स दांत एवं 32 लगाने के स्पेशलिस्ट। क्लिनिक में उपलब्ध सुविधाएं, दांतों की सड़न का इलाज, लैमिनेट द्वारा दांतों का सौंदर्यीकरण, आड़े टेढ़े दांतों को ठीक करना, स्माइल डिजाइनिंग, फिक्स 32 डेंटल इम्प्लांट, कास्ट पार्शियल डेंचर, रूट कनाल ट्रीटमेंट, फिक्स कैप एवं ब्रिज, निकलने लगाने वाली 32। समय सुबह 11 बजे से रात्रि 9 बजे तक, सोमवार से रविवार। स्थान पोला ग्राउंड पांडे नर्सिंग होम के सामने छिंदवाड़ा। मोबाइल नंबर 9755496232 और 8839315742। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। बढ़ते अगली खबर की ओर। वन सुरक्षा सप्ताह के अंतर्गत बुधवार को वन विभाग के संवाद भवन में रंगोली प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें स्कूल और कॉलेज के विद्यार्थियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस अवसर पर विद्यार्थियों द्वारा जमीन पर वन्य प्राणी संरक्षण का संदेश देती सुंदर रंगोलियां और चित्र बनाए गए। वनवर छिंदवाड़ा के अंतर्गत चल रही वन्य प्राणी संरक्षण सप्ताह के 6वें दिन में आज संवाद भवन में रंगोली और मेहंदी कला का प्रतियोगिता रखी गई थी, जिसमें रंगोली में विभिन्न स्कूलों के बच्चे, कॉलेज के बच्चे आए हुए थे, जिन्होंने बहुत सुंदर सुंदर यहाँ रंगोलियाँ बनाई हैं। और उसी तरह मेहंदी की भी प्रतियोगिता इस समाज सदन में रखी गई थी, जिसमें बच्चे अपने साथ अपने पार्टनर को लेकर आए थे, जिनने अपने हाथों में मेहंदी रचाकर प्रदर्शित की है, जो कि वन्य प्राणी से संबंधित थी। बहुत सुंदर सुंदर मेहंदियाँ उनके द्वारा बनाई। SP विवेक अग्रवाल के मार्गदर्शन में छिंदवाड़ा CSP मोतीलाल कुशवाहा की अवैध शराब बेचने वालों पर ताबड़तोड़ रेड जारी है। मद्य निषेध सप्ताह में चौथी बड़ी रेड मारते हुए छिंदवाड़ा पुलिस ने बुधवार को 18 पेटी शराब पकड़ी है। थाना कोतवाली अंतर्गत एक स्विफ्ट कार में 18 पेटी अवैध शराब पाठाढाना चंदनगांव में पकड़ाई है। इस मामले में पुलिस ने आरोपी रंजीत सूर्यवंशी और शैलेंद्र सिंगोतिया के खिलाफ आबकारी एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है। इस कार्रवाई में थाना प्रभारी कोतवाली सुमेर सिंह जगे, सहायक उप निरीक्षक अजय सल्लाम, आरक्षक रविन्द्र ठाकुर, सागर मशकोले राजकुमार का सराहनीय योगदान रहा। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी कांड के संबंध में जुनून किसान संघ के द्वारा बुधवार को कॉफी हाउस में एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया था, जिसमें जुनून किसान संघ के जिलाध्यक्ष गगन चौधरी ने पत्रकारों से चर्चा की। प्रचार किया जा रहा है कि किसानों ने चार लोगों की हत्या कर दी, जबकि मेरे पास वो वीडियो एविडेंस के रूप में है,
जिसमें साफ दिख रहा है कि किसान आगे चल रहे थे, पीछे से इनके थार गाड़ी में आके उन्हें रौंदा है, और उसके बाद वह बाजू से जो रोड के बाजू में नहर का जैसा डाउन है वहाँ वो गाड़ी गई, और उसमें जो विस्फोट हुआ है उस गाड़ी के अंदर, और एक नहीं दो गाड़ियों के अंदर विस्फोट हुआ है। ये खुद विस्फोटक लेके आए थे भाजपा के कार्यकर्ता हैं जो उसमें, और उसी विस्फोट से वो खुद स्वयं मारे गए। दुर्गा उत्सव और ईद मिलादुल नबी के त्यौहार को लेकर पुलिस थाना जुन्नारदेव में शांति समिति की बैठक आयोजित की गई, जिसमें कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए त्योहारों को मनाने की हिदायत दी गई। चल समारोह के संबंध में शासन के निर्देशों का पालन करने के लिए कहा गया। बैठक में एसडीएम मधुवंत राव ध्रुवे, एसटीओ पुलिस एस के सिंह, थाना प्रभारी ब्रजेश मिश्रा, एसआई प्रेमचंद राठी, एसआई चंद्रपाल सिंह चौहान सहित अन्य लोग उपस्थित थे। जो आने वाले पर्व है हमारे नवरात्र है, और जो आने वाले समय में पर्व पड़ने वाले हैं उनको लेकर के आपस में बैठ करके कि कैसा आने वाले दिनों में हम लोग कैसी नगर में क्षेत्र में कैसी व्यवस्था बनाएंगे, कैसी शांति व्यवस्था बनाए रखेंगे, कैसा व्यवस्थित पर्वों को हम शासन के निर्देशानुसार शासन के गाइडलाइन के अनुसार इनको जो है मनाया जाएगा पर्वों को, इस विषय को लेकर के शांति समिति की बैठक आयोजित है। नगर निगम कमिश्नर हिमांशु सिंह के निर्देश पर शहर में अवैध अतिक्रम हटाने के लिए निगम द्वारा कार्रवाई जारी है। इसी क्रम में वार्ड नंबर 35 इमलीखेड़ा चौक पर अवैध दुकानों की गुमटियां हटाई गई, जबकि अतिक्रमण करने वालों पर 1500 रुपए का जुर्माना भी किया गया। इस कार्रवाई में राजस्व अधिकारी साजिद खान, वार्ड प्रभारी शेखर पटेल, सहायक राजस्व निरीक्षक सलीम कुरैशी, दुर्गेश रघुवंशी, गोविंद चौहान उपस्थित रहे। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।